माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर के बारे में, चूँकि नंबर सिस्टम जो सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं, बस उसी के सीक्वेंस में आज हम देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। एक बार फिर से मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ कि रियल नंबर क्या होता है, चूँकि हम यहाँ पर रैशनल नंबर के बारे में पढ़े थे और फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, उसके पहले कि हम लोग जान लें कि एक्चुअली में रियल नंबर क्या होता है। देखो, रियल नंबर जो हमारा होता है ये रैशनल और इरेशनल नंबर का कम्बिनेशन होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है कि डायग्राम यहाँ पे लिया हुआ है और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक बड़ा सा हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है। बॉक्स के ऊपर मैंने लिख दिया है क्या, रियल नंबर। क्या लिखा है? रियल नंबर लिखा है। और रियल नंबर के अंदर आप देख पा रहे हो कि रैशनल नंबर भी है। ये देखो, ये रैशनल नंबर है यहाँ पे, और ये पूरा क्या है, ये जो आपका एलिप्टिकल बना हुआ है बात हो क्या, आपका रैशनल नंबर का सेट है, कलेक्शन है। और ये यहाँ पे देखो इरेशनल नंबर का है। इसका मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। या इन जनरल ये समझ सकते हो कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका कि उसी नंबर में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, पॉजिटिव आ गया। और 2 का भी अगर आपने 2 में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, 4 आया, ये भी क्या पॉजिटिव हुआ। मीन्स किसी भी नेगेटिव नंबर का आपने उसी नंबर में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपको क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि रियल में हो और उसका उसी मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल के केस में। देयरफॉर रियल नंबर जितने भी नंबर हम देखते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, सभी नंबर क्या कहलाते हैं, रियल हमारे कहलाते हैं। अब आप यहाँ पे डायग्राम या जो यहाँ पे सेट बना हुआ है, जो बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि रियल नंबर भी है और रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर रैशनल भी दिख रहा है और इरेशनल। अब रैशनल नंबर में आप देखिए, रैशनल सबसे पहले लास्ट में बना हुआ रैशनल, अब उसके अंदर क्या आ रहा है, देखो नेचुरल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आ रहा है। देखिए ध्यान से, नेचुरल नंबर सबसे पहले आया, वो भी कहाँ पे है, रैशनल नंबर के अंदर है। होल नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर के अंदर। इंटीजर भी क्या है, रैशनल नंबर के अंदर है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर लाई करता है, और होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी इंटीजर के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, और सारे इंटीजर जो होते हैं आपके रैशनल नंबर के अंदर लाई करते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे देख पाए कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में ना लिखा गया हो, ठीक है, जो इस फॉर्मेट में ना हो, जो कि रैशनल नंबर, देखो टोटली आपका इरेशनल नंबर टोटली आपका रैशनल से डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि जितने भी नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो चाहे इंटीजर हो, सभी को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एवरी नंबर यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आर नोन एज रैशनल नंबर। कोई भी नंबर इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों ही आपके क्या हैं, इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर के सेट में आप ये जानते हो कि पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है और जीरो भी आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। अब पी और क्यू का आप रियल नंबर नहीं बोल सकते, पी और क्यू क्या है आपका, इंटीजर है, और कंडीशन क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो रैशनल नंबर। और ये भी जान लीजिए कि रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं। कोई भी दो रैशनल नंबर है और पूछा जाए कि इसमें कितने रैशनल नंबर आएंगे, तो कितने होंगे, बहुत सारे, सो मेनी रैशनल नंबर यू कैन फाइंड बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर। ठीक है, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में या कोई भी दो नंबर है उसके बीच में कितने नंबर आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं। इनफाइनाइट मतलब उसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक, और जिस किसी भी नंबर को, ऐसा कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म में रेडिकल्स फॉर्म में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है,
मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर जो होता है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू। आगे जब हम इसका इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है रिकरिंग, क्या होता है नॉन रिकरिंग, क्या होता है पीरियाडिक, क्या, तो वहाँ पे भी हम फिर रेशनल इरेशनल नंबर की बात करेंगे। तो आज हम रियल नंबर के बारे में इतना थोड़ा सा देख लेते हैं कि रियल नंबर लाइन क्या होती है। आप यहाँ पे देखिए रियल नंबर लाइन क्या है या इंटीजर नंबर लाइन क्या है, दोनों की बात देखिए। ये आपका क्या है कि ओरिजिन है, मतलब फिक्स है, ये क्रिटिकल पॉइंट हम कह सकते हैं, सारे क्रिटिकल पॉइंट को आप जो है रियल नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर से यहाँ पे होते हैं और राइट साइड जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये जो एरो है ये कहाँ तक जाता है, यही रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट को, मतलब ये नेगेटिव इनफाइनाइट जितना आप सोचते हैं उससे भी कहीं छोटा ये आपका एक कंडीशन है, ठीक है। ये कोई नंबर नहीं होता है, एक बैरियर होता है कि इसके आगे हम इससे छोटा कोई भी नंबर हम नहीं ले सकते हैं। और राइट साइड आप मैक्सिमम राइट साइड का क्या लिमिटेशन होती है, पॉजिटिव इनफाइनाइट होती है। तो माइनस इनफाइनाइट और पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में सारे रियल नंबर लाई करते हैं, मीन्स सारे जितने भी नंबर होते हैं सब इन्हीं के बीच में आते हैं, मीन्स सबसे छोटे से पहले। तो जीरो के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और जीरो के राइट साइड सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। इसको हम इस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हमने क्लास सिक्स्थ में नंबर लाइन के बारे में देखा था किस तरीके से हम नंबर लाइन का यूज करके हम सब्ट्रैक्शन एडिशन ये सब किए थे। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नंबर लाइन पे एक्चुअली में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलने पे नंबर की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या है, एक रेशनल एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बना हुआ, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लिखा एज यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं नंबर गेट स्मॉलर, राइट से लेफ्ट की तरफ, जैसे हमने कहा कि ये आपका राइट है, ठीक, जैसे जीरो के राइट, अब राइट से अगर लेफ्ट की तरफ आप मूव कर रहे हो तो नंबर क्या होता है, स्मॉलर हो जा रहा है। जैसे आप इसी की बात करिए, आपने वन से लेफ्ट लेफ्ट की तरफ मूव किया, मीन्स राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो आपने क्या, वन से कौन सा नंबर पा गया, जीरो, जीरो क्या है, वन से छोटा है। तो जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे तो वैसे वैसे क्या करेंगे, आप छोटा नंबर पाते चले जाएंगे। आप देखिए -2 इज स्मॉलर देन -1, -3 इज स्मॉलर देन -2, -4 इज स्मॉलर देन -3, मतलब जैसे जैसे आप जितना दूर जाएंगे उतना ही छोटा नंबर आप पाते जाएंगे। ओके, अब ऐसे 5 देख लीजिए, 5 के जस्ट, 5 जो कि राइट साइड है उसके लेफ्ट साइड आपने मूव किया, मीन्स यहाँ पे दिया है इफ़ यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से आपने क्या किया, मूव किधर किया, लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो यू गेट स्मॉलर नंबर। देखो 5 है, 5 से लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होंगे 5 से क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। अब 4 के लेफ्ट साइड जो नंबर है 3, वो 4 से क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नंबर लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो हम सारे नंबर को कैसे पाते हैं, वो स्मॉलर नंबर को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो हम देख के ही इसको बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हम कह रहे हैं कि -1, -2, ठीक है, -1, -2, तो -2 आपको क्या होगा, छोटा होगा, -2 इज स्मॉलर देन -1। अब जैसे -1, -4 है, ये -1 है, अरे ये आपका 4 है, अब 4 से आपने यहाँ -1 इसका कंपैरिजन कर दिया, तो आप क्या देखोगे कि जो हमारा -1 है और जो 4 है, ठीक है, तो -1 क्या होगा, छोटा होगा, 4 क्या होगा, बड़ा होगा। अब -1, -4 की अगर हम बात करें, ठीक, जैसे आपने यहाँ पे कर लिया कि -1 और -4 का कंपैरिजन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, तो -1 आपके पास कहाँ है, -1 आपका यहाँ पे है। अब -1 और -4 यहाँ पे है, जैसे आपने -1 से यहाँ पे मूव किया तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, -1 greater than -4। तो आई होप आपको नंबर लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो आज हम इतना सीखेंगे। और इस वीडियो में हमने ये देखा कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अभी इरेशनल नंबर का हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया है कि, या किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो भी नहीं बताया, तो आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर होता है। और रियल नंबर लाइन पे आप एक जो नंबर लाइन है इस पे आप किसी भी नंबर को, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसका रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि दो रैशनल नंबर के बीच में या दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर आते हैं। ओके, थैंक यू।